आप लोग, मेरा नाम है ब्रियाजल का बैक में। पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर द्वारा आ चुका है। सो गाइस पहला क्वेश्चन है 10 करोड़ के सीधा 10 करोड़ सीधा जस्टिन बीबर का। हु इज योर फेवरेट सिंगर? मेरा है भाई दिया पर ताको चैंपियन द परमेश वर्मा माय लेजेंड। एंड गाइस मेरा है जस्टिन बीबर द बीबर ऑफ जस्टिन। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन है अपना हु इज योर इंस्पिरेशन? पहले हमारे ये साहब जी बोलेंगे इसके लिए कोई होनी। गाइस मेरी इंस्पिरेशन है एमएस धोनी है। मेरी गाइस सबसे दो इंच ना अब्राहम एंड बेंजामिन दे डिविलियर्स और दूसरा डेविड एंड्रयू वॉर्नर। गाइस ये क्यों है ये मैं आपको नहीं बता सकता इतना नहीं पसंद। मैं पर ये पर्सनल मुझे बहुत क्लोज है इसलिए नहीं बताऊंगा। ये ज्यादा पसंद है इसलिए गाइस हर क्वेश्चन आपको यहां दिख जाएगा या नीचे होगा गाइस मैं रेटिंग भी डाल दूंगा। गाइस तीसरा है क्वेश्चन है अपना स्कूल केड़ा मेरी ड्रीम प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। मैं चाहता पता नहीं क्यों मेरी ऑस्ट्रेलिया है ये बड़ी बात है। बताओ तो यार पेरिस है मेरी यार माय लव पेरिस। द मोस्ट बेस्ट थिंग दैट यू डू इन योर फ्री टाइम? गाइस आई लव टू सिंग सॉन्ग्स एंड लिसन। गाइस आई लव टू सिंग। गाइस अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता मेरा फेवरेट बेस्ट फ्रेंड क्या है। अगर इसने बता दिया तो मैं इसको 10 रुपए देता हूँ। गाइस क्यों इसने दिया अब ये 10 रुपए मुझे देगा। वाह बट मौज कर ली। वाह अब ये छठा क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट पर्सन इन योर फैमिली? ये जिसका आंसर सबसे पहले ये देगा। पहले ये देगा मैंने पूछा ना क्वेश्चन। अच्छा तो गाइस माय क्या बोलूं मैं गाइस आई लव माय फादर। फादर वाह एंड यू? No one. Why? मजाक कर रहा हूँ गाइस सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ मैं अपने। कोई ना मुझे बोला यार। सबसे ज़्यादा यार देख ऐसे नहीं है सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ मैं देखो दो हैं मैं सच बोलूँगा सबसे ज़्यादा मैं क्लोज जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो है मेरी नानी सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और दूसरे तो अपने मम्मा पापा। सबसे पहले मैं नानी को रखता हूँ नानी पर नहीं क्यों ऐसा मुझे अपनी नानी से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है मुझे उनके घर जाना सबसे ज़्यादा पसंद है। यस गाइस क्या मैं तो गाइस अपनी नानी घर आया था नानी घर गाइस हमारा रिलेशन ही कुछ और होता नानी के साथ। सच बोलूँ माँ से ज़्यादा नानी अपनी पहली माँ होती है वो सबसे पहली माँ होती है और सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये टॉपिक चेंज करो गाइस अब टॉपिक अब नहीं I like Tarak Mehta. Tarak Mehta and guys, सब टीवी के मेरे को ज़्यादा सारे shows और भाई guys जिसकी story सबसे best है, that show ज़्यादा. जिसकी story अब तक तो थोड़ा सा lockdown तो करके थोड़ी story हो रही है, पर चलो अब next question पे चलते हैं. क्या question है? Do you like dogs or cat and which? And guys, I love the dogs. मुझे पसंद है कुत्ते, हुबा. हम दोनों का dog ही पसंद है. And which breed का था? Which breed? And चलो मैं बताता हूँ सबसे पहले गाइस I love Labradors. He like Labradors and I like his father. मतलब Labrador का father है golden. Retriever okay. मतलब उसका गाइस वो तो अच्छा है. इसलिए गाइस दोनों भाई भाई हैं. So guys लगते सेम हैं दोनों. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये है Do you like
डू यू मतलब अगर आपको दो चीजों में से एक चीज लेनी हो, आप फेम लोगे कि पैसा लोगे, रिचनेस? गाइस आई विल लाइक फेम मैं लूंगा रिचनेस। गाइस मैं फेम इसलिए नहीं लेना चाहता, फेम से बहुत ही बेकार चीजें भी हो जाती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो जाती है, इसलिए मुझे फेम नहीं चाहिए। गाइस अब क्या बोलूँ मैं, इसने तो उल्टा ही कर दिया मेरा सारा पार्ट। तो अब इसको पता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं बोलना पड़ेगा ब्रो, बातों पे फेम से ना देखो आपकी ना पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। हाँ हो कोई सकती है कोई बेचारी। मानो चाहे ना मानो, ये चाहे एग्री करे ना करे, एक क्वेश्चन के लिए मैं अपना ओपिनियन नहीं बदलूंगा, क्योंकि गाइस पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो, वो कोई बात नहीं है। नहीं हर चीज तो नहीं खरीद सकते फेम ऐसे। से चलो आप दिल लोगों के दिल जीत जाओगे, हाँ बट गाइस बात ये है फेम से आप अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गए। अगर अपने आपको अगर कुछ बोलना भी है ना किसी किसी बंदे के सामने, कुछ आपको ऑडियंस के सामने, हाँ मैं तो कुछ बहुत आपको सोच के बोलना एक पड़ता एक है। चीज सोच के बोलनी पड़ेगी, वरना आपके एल लग जाएंगे। क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी आपने एक चीज भी कंट्रोवर्सी कर दी ना आपकी हमें गाइस बहुत सोच के बोलना पड़ता है अगर हम कुछ स्टार वगैरह बन पूरी जाते हैं। चलो गाइस अभी दुनिया। टॉपिक से बदलते हैं, गाइस एक कॉल आ रहा, वो अटेंड करते हैं फिर फिर आपसे आपसे मिलते हैं। मिलते हैं। तो हु गाइस इज अ बिग फूडी, इसका तो सवाल हम बट गाइस हमारे वेट देख के पता लग जाता है कि इससे ज्यादा वेट से पता लगता है कि मैं हूँ ही इज बिग फूडी। साइज। गाइस कभी भी खाना दे दो, कुत्ते की तरह खा लूंगा। एंड गाइस ये अबे देख सकते हो हमारे हाथ में हम ब्रेड ब्रेड ऑमलेट है, हम रात को ब्रेड ऑमलेट ही बनाने जा रहे उसकी क्लिप अभी आपको दिखा देंगे इसके हैं। बाद ही। इसी भी बात दिखा देंगे आपको। चलो गाइस अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं घर जाके, बाय। अभी हम अपना ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं जैसे हमने बताया था, एंड द चीज ब्लॉगर हम गाइस देख सकते हो। ठीक है तो गाइस आप देख सकते हो हम अंडा मारे हैं रवि भाई ने। मैं शेफ बाय प्रोफेशन। यस को काम और मैं भी अच्छा वाला काम करता हूँ, एंड अभी ये बना रहा है। गाइस हम अपने घर वालों की बहुत मदद कराते हैं, हमें क्या लगता सब्जी भी लॉकडाउन में आती तो है। गाइस हमने सब्जी सीख नहीं, लिया। लॉकडाउन नहीं, वैसे भी हमें सब्जी सब्जी सब बनानी आती हाँ है। गाइस अगर किसी को पढ़नी है हमारे घर पे आ जाओ, ये हमारे घर का एड्रेस है 1312 36 Sector 123 बाकी5G। बताएंगे नहीं। ओके एंड गाइस अब आप जाके सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, एंड हम अपना ब्रेड ऑमलेट एंजॉय करते हैं। गाइस हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा अपना ट्विस्ट करते हैं, इसे घर का खाना बना लेते हैं। हाँ, कि घर में हाँ। आपको सब्जी सबसे जो भी जो सब अब वेजिटेबल ही ले लो, सबसे ज्यादा आपको सबसे फेवरेट आपकी सब्जी क्या या हाँ है? मैं ट्विस्ट करता हूँ गाइस, एंड सॉरी फॉर जो जिस बंदे ने आपको लिए क्वेश्चन बोला था उसके लिए सॉरी। हाँ मैं आपको उस बंदे का नाम बता देता हूँ, उस बंदे का नाम है, उस हमें सारे क्वेश्चन डीएम पे आए उस बंदे का नाम है अर्नब मिगलानी। हाँ गाइस उस बंदे का नाम अर्नब मिगलानी, उसने मुझे डीएम किया था, तो उसका है आप चेक कर लेना। हम थोड़ा सा उसका जस्ट कर रहे थे उसका क्वेश्चन, हम उसको डीएम करके सॉरी कर देंगे। सो गाइस मेरी होगी घर में का फेवरेट सब्जी, गाइस नॉनवेज नहीं बोलूंगा वेज ही बोलूंगा। अभी गाइस वेज में मैच आई विल टेक मशरूम इज माय फेवरेट, एंड एंड पनीर सिंपल। एंड गाइस पनीर की भुर्जी में मोमो बहुत टेस्टी बनाते हैं गाइस, आई लव द मोस्ट। एंड गाइस बेसन पूड़ा बेसन रोल, इट्स नॉट द फूड ब्रो, इट्स नॉट अ वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं है सर, मतलब मैंने आपको ऐसे बता दिया, पर आई लाइक पनीर की बहुत चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा हॉली चलो ब्रो, ना हॉली चलता है चल कोई ना। अगला क्वेश्चन है पाजी, व्हाट्स योर ड्रीम?
ये क्वेश्चन गाइस इसका आंसर हर बंदे को ओरिजिनली देना पड़ेगा। चल सबसे पहले काम बोलो। सबसे पहले यस क्योंकि मैं 10 गाइस माय ड्रीम इज टू बिकम गाइस सिंगर। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आई लव टू सिंग सॉन्ग्स। देखो इसने बोल दिया अभी सिंगर है एक गाना सुना दे। अरे यार गाइस वो स्पेसिफिक भी नो ब्रो दो लाइनें तो बनती है क्योंकि ब्रो ऐसे नहीं है फिर सबसे पहला सॉन्ग बेबी किसके लिए गाया? अरे यार बेबी अपने यार अच्छा लगता है वो गाना। वो दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग एंड फेवरेट सिंगर गाना है यार ऐसा लग रहा है। तो गाइस शट स्टार्ट आर वी एन आइटम गर्ल्स वुड प्लेइंग वी जस्ट फ्रेंड्स व्हाट आर यू सेइंग सेड देयर इज अनदर लुक राइट इन माय आईज यू आर फर्स्ट मुझे पार्टी आ गई शिट प्लीज यार गाना खराब है। गाइस मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कवर सॉन्ग एक बार बनाऊंगा मैं किस सॉन्ग का। सो गाइस जो मेरा ड्रीम है वो है गाइस सच बोलो तो आई वांट टू बिकम एन क्रिकेटर बट असली में अगर साइंटिफिकली देखा जाए मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना। अगर किसी को कार्डियोलॉजिस्ट नहीं पता वो होता है साइंस नहीं हार्ट सर्जन। ठीक है गाइस समझ गए हार्ट सर्जन आप समझ गए समझ गए समझ जाओ समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे रॉक का यार मुझे तो शिनचैन पसंद है मैं इसके तरह ज्यादा लफड़ों में नहीं पड़ता। ज्यादा ना ज्यादा नहीं जाएंगे मतलब गाइस क्वेश्चन है अगला है आर यू रिलीजियस? यस गाइस आई एम आल्सो रिलीजियस ही नॉट रिलीजियस ऐसे रिलीजियस की बात नहीं गाइस हम भगवान को मानते हैं हम सारे भगवान को मानते हैं गाइस। ठीक है गाइस बस बाय गाइस अगला क्वेश्चन है व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट फियर? मेरा है ऊंचाई एंड गाइस माय इट्स प्लीज देख के मुझे बहुत नो बैड वर्ड्स सॉरी पेटी बोला व्हाट मेरा व्हाट दिया गाइस व्हाट द व्हाट अगला है कौन ज्यादा सोता हुआ कौन कुंकर है? गाइस मैं तो बचपन से आता मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं गाइस मैं सोता हूँ रात के 2 बजे और उठता हूँ सुबह के 2 बजे एंड मैं जब चाहे लेट भी सोता हूँ पर मैं जल्दी उठ जाता हूँ मेरी आदत है। व्हिच इज योर फेवरेट फूड आउटलेट गाइस? ये इसमें मैं बताता हूँ इसका भी केएफसी हमारा भी केएफसी हम वी आर केएफसी बट भाई अगर हमें केएफसी ना खाना दिन ना हो तो क्या खाएं? देन गाइस माय मैकडी मैकडॉनल्ड्स गाइस मुझे बर्गर्स बिल्कुल पसंद है बस आई लाइक बर्गर्स मुझे नहीं पिज़्ज़ा से ज़्यादा बर्गर पसंद है बट आई लाइक सबवे। सबवे लवर्स नीचे कमेंट एंड लाइक करो गाइस मैकडॉनल्ड लवर्स। व्हिच इज डू यू वांट टू गेट अ टैटू पियर्स एंड वेयर एंड व्हाट एंड दिस इज आवर दिस लास्ट सो वो सब आंसर देगा मैम या तो गाइस मेरे को सबसे पहले अपने बाजू पर आना है गाइस 8 पे गाइस ओम जो साइन होता है ओम का एंड गाइस माय सरनेम जो मैं आपको बताई बताऊंगा नहीं गाइस मेरे को कोई बता नहीं गाइस ये ओम इसलिए नहीं करा रहा कि कोई हमें वो डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा नहीं है बस ऐसे जैसे बथेरे लोग कराते हैं हमारा भी वैसे ही है एंड गाइस यू गाइस मेरा है आई वांट टू यार मेरा बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है एक रीजन आई वांट टू पियर्स अप कर्मा यहां पे करवाना है कर्मा कहां पे आप है यहां पे अच्छा चेस्ट पे जब यहां पे यहाँ पे हार्ड होता ना यहाँ वैसे तो बीच में था बट आई वांट टू यहाँ पे करवाना है लेफ्ट साइड पे गाइस कर्मा इसलिए करवाना क्योंकि कर्मा बहुत बड़ी चीज है। यस गाइस कर्मा बहुत बड़ी चीज है मैं भी आपको उसके बारे में 1 मिनट बताता हूँ 1 मिनट गाइस अभी हमने अंडे बनाने हैं उसके बाद आपको फुल स्टोरी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जल्दी जो ठोको जो जो गाइस मेरे चैनल को ना भूल जाना इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसको सपोर्ट करो गाइस। अगर आपको कोई तगड़ी गेमिंग वीडियो चाहिए मैं बहुत बड़ा गेमर हूं ठीक है गाइस तो जरूर बता देना।
तो गाइस मिलते हैं वीडियो। आप सोच रहे हो कि अभी तो यकीन हुआ ना वीडियो गलत था, अभी यहाँ कैसे आ गया। तो गाइस अब मैं अपने घर आ चुका हूँ एंड ये वक्त है गाइस उस वीडियो के, काफ़ी 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड हो रही है गाइस ये वीडियो, जो क्लिप मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ गाइस। तो गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो गाइस जो भी आपने क्लिप देखनी थी ना जिसमें मेरे भाई ने कर्मा वाली वो करनी थी बात, तो गाइस वो कर चुका था एंड गाइस मेरा रिकॉर्ड हो के मैंने एक बार देख भी ली थी कि रिकॉर्ड हुई कि नहीं मेरा, और उसमें उसी क्लिप में मैंने एंड भी कर दिया था व्लॉग, बट पता नहीं गाइस कोई इशू की वजह से शायद डिलीट होगी। तो गाइस अभी मैं नहीं कर पाया उसको रिकॉर्ड, अब मैं अगर किस दिन जाऊँगा तो उसमें कह दूँगा उसको कि उसमें समझा दे कर्मा वाला जो पार्ट था रिकॉर्ड हो चुका था गाइस, सच्ची मानो हो गया था। बाकी हमने क्यों ने वीडियो देख ली, आई होप आपको पसंद आया व्लॉग। बस आपको मैंने ये क्लिप देखी थी एंड व्लॉग अब जल्दी से जल्दी आ जाएगा व्लॉग भी हमारा क्यों होने वाला, तो बस एक क्लिप रिकॉर्ड करनी थी एंड मैं एडिट कर रहा था व्लॉग, तो मैं सोचा कि यार एक क्लिप रिकॉर्ड करके बीच में डाल दूँ, लास्ट क्लिप थी यार ये, तो बस क्लिप व्लॉग उसमें एंड कर दिया था, मैंने इधर भी एंड कर दिया। तो एज आई होप आपको पसंद आई मेरी क्यों एन ए वीडियो, दिस द फर्स्ट क्यों एन ए वीडियो, सो आई होप आपको पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।